कल आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा जलसा हुआ है, लेकिन उस जलसे में बहुत सारी धमकियां मौसूल हुई अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से। लेकिन सवाल यहां पर पहला मैं ये करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब ने कहा कि 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी किया था वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया था, और उनको कहा गया था कि इन रिटर्न 8 सितंबर का जलसा जो है वो कामयाब बना दिया जाएगा या उसकी इजाज़त दे दी जाएगी। तो ये तो वो वाला हिसाब नहीं हो गया कि वहीं से जहाँ से बीमार हुए थे उसी अदारे के लौंडे से आपने दवा ले ली? फरवर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि फॉर्म 47 की जाली हुकूमत जो इस वक्त जिसने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है उनकी तमाम तर साजिशों और रुकावटों के बावजूद कल एक बार फिर तारीखी जलसा हुआ है और वो कैमरे की नज़र ने पूरी दुनिया ने महफूज किया है। आप देख लीजिए कि पूरा जो जितनी जीटी रोड हो, आपकी मोटरवे हो, केपी की मोटरवे हो, पूरा इस्लामाबाद हो, इस तरह लगता था कि ये कंटेनर स्थान बना दिया है। एनओसी हमें तो जिस दिन ये आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इमरान खान साहब से रابطہ किया आज थ्रू अली अमीन गंडापुर साहब, और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर उसी दिन क्रिकेट मैच भी है, और सेकेंडली यहाँ पर जो मजहबी जमातें आई हुई हैं यहाँ पर हालात कशीदा हो सकते हैं, बहुत बड़ी टेंशन है, तो आप ये जलसा मुलतवी कर दें। और साथ वो लेकर गए थे हमारे लिए 22 सितंबर की ये इजाजत कि 22 सितंबर को भी इजाजत कीजिए, आपको इजाजत देते हैं और कोई रकाव 8 सितंबर को आपको इजाजत देते हैं, 22 तारीख को ये गए थे और आपने, और उस दिन जब दूसरा बात उन्होंने ये कही कि खत्मे नबुवत के हवाले से केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो खान साहब ने जो अल्फाज कहे मैं वो अदा करता हूँ। खान साहब ने कहा कि इस कायनात का वजूद जिस हस्ती की वजह से है, ये कैसे हो सकता है कि अगर उनकी आज वहाँ केसेस लगे हैं अमनो अमान की सूरत बन सकती है, और यहाँ तक कहा गया कि 9 मई हो सकता है दोबारा यहाँ पर खून गिर सकता है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, तो खान साहब ने जलसा मुलतवी कर दिया। तो उसके बाद आपने तो कहा कि आप वहां से दवा लेने के, नहीं बसरा साहब दिस इज व्हाट वी कॉल गिव एंड टेक। नहीं फरवा, नहीं फरवा, पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसके बावजूद आपने देखा कि गुज़श्ता 2-3 साल से जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ के साथ, और खास तौर पर आप देखें कि इमरान खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया, आज बुशरा बेगम जो उनकी बीवी हैं आज वो गैर कानूनी हिरासत में, तमाम केसेस पहले भी झूठे थे वो खत्म हो गए, आज हम पर जमीन तंग कर दी गई, पार्टी तोड़ दी गई, लेकिन चलें आप, लेकिन अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बस साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन आपने सवाल फिर मेरा घुमा दिया, आपने मुझे ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि गिव एंड टेक कैसे नहीं हुआ। अली गौहर बलोच साहब एक बहुत ही बड़ा जलसा, आप उसे तनकीद का निशाना बनाए या उसकी उसकी तारीफ करें, उसे जो कुछ कहें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो पावर शो है वो करके दिखा दिया। अब रुख जो है वो लाहौर का मीनार पाकिस्तान है, आप लोगों को कल के जलसे के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई नींद तो नहीं खराब हुई आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए नींदें तो उनकी उड़ी हुई हैं जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं और जो इस वक्त जेलों में बंद हैं अपनी शरपसंदियों की वजह से और अपने अमाल नामों की वजह से। बात यह है कि किसी भी सियासी पार्टी का एक बुनियादी हक है कि अगर वो कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहे, पुरअमन जलसा करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये एक शर पसंदों का जत्था है जिसने एक लिबादा उड़ा हुआ है कि हम एक सियासी ग्रुप, और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जलसे की इजाज़त देकर एक दफ़ा से फिर से ये एक्सपोज हुए हैं। कैसी इजाज़त दी सर आपने, कंटेनर वो बसरा साहब कह रहे हैं आप लोगों ने कंटेनरिस्तान बनाया हुआ था, ये कैसी इजाज़त दी आप लोगों ने? जी बिल्कुल, कंटेनर पे खड़े होके जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की, जिस तरह की बेहुदा बातें की, जिस तरह से इनके बुलवाइयों ने फिर एक दफा से इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर हमला आवर हुए और फिर एक दफा मतलब एक इंतशार फैलाने की कोशिश की, ये तो मैं दाद देता हूँ इस्लामाबाद की इंतजामिया को कि जिन्होंने कंटेनर खड़े करके इर्द गिर्द इस्लामाबाद शहर को बड़ी मुश्किल से इन दहशत गर्दों से महफूज रखा, इनके अजायम से महफूज रखा, और आज ये कहते हैं कि हम लाहौर का रुख करें, लाहौर आए जलसा करें, लेकिन बात ये है कि अगर ये अली गौहर बलोच साहब, ये अली गौहर बलोच साहब दहशतगर्द एक इंतहाई बलोच साहब दहशतगर्द एक इंतहाई बड़ा लफ्ज है
जो मेरा नहीं ख्याल बनता कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात 9 मई की, तो बहुत सारे लोग फिल्टर्ड भी हुए हैं, उनका जिक्र करना ना भूलें आप लोग, और बहुत सारे लोग अभी केसेस भी भुगत रहे हैं, लेकिन इसको इसको इस तरह लेके चले कि डिफ्रेंशिएट कर सके आम पाकिस्तानी भी। दहशतगर्द बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन शौकत बसरा साहब कमिंग टू दैट पॉइंट, आप लोगों के जलसे में मैंने जहां से दहशतगर्दी की है, जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, उनको आप क्या समझती है कि दहशतगर्द ना कहा जाए? तो सर एक डेढ़ साल में मेरा ख्याल बनता है कि एक डेढ़ साल के अंदर नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन मैं बसरा साहब को इन्वॉल्व करती हूँ, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं से दहशतगर्दों की, शर पसंदों की कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चले मैंने पूछ दो ना बसरा साहब से पूछने देना, बसरा साहब से पूछने, बसरा साहब कौन सहूलतकारी कर रहे हैं ये तो आप बता दे गौर साहब को। लेकिन कल अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 जीम निशाने पर रखे हुए थे, एक का जिक्र मैं बाद में करूंगी, एक का पहले कर लेती हूँ। उन्होंने कल जो है वो कहा, इदारे पे बकायदा इंस्टीट्यूट पे तनकीद की और कहा कि आपके जर्नैल हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप इदारे को ठीक करें। अभी मामलात आप लोगों के थोड़े से बेहतर होने लगते हैं, यहाँ वहाँ पैगाम आने लगते हैं, फिर आप लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमारे मेहरबान प्यारे भाई गौर बलोच साहब ने, सर मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी मेरे टॉपिक पे आ जाए, बिकॉज़ इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू माय फील्ड। सिर्फ एक बात देखें, बात आप पूछ रही थी हुकूमत, ये तो गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हुकूमत या सियासी जमात वो होती है जिनके साथ अवाम हो, इनकी तो पल्ले अब है ही कुछ नहीं है, इनसे कौन मुजाकरात करेगा, कौन पूछेगा, और ना ही हम इनसे पूछे। मैं फिर कहूँ, स्टैब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया है, जाहिर है स्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, स्टैब्लिशमेंट को ये कहेंगे। इस पे मैं आपको एक और प्रोग्राम में दावत दूंगी गुफ्तगू करने की, मेरे टॉपिक पे आ जाओ। अच्छा, दूसरी बात रही सहाफियों वाली, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बात तो समझ कर देखें, अब दहशतगर्द भी वो कहें जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर बेचारे लोगों के पेटों में गोलियां मारी थी, जिन्होंने डॉन लीक्स की थी, जिन्होंने कहा था दहशतगर्दी है इसके पीछे, अब मैं बोलना नहीं बोल अली प्लीज मैं आपकी तरफ आती हूँ, बस अब सुन रहे, अब फिर सहाफियों वाली बात आ गई। देखिये मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिये 5-7 सहाफी जिनका तो हमने बाकायदा बाइकआउट किया हुआ है, जिन्होंने आपको याद है कि जो लोग अगवा हुए बेचारे उनके इंटरव्यूज किए, असल में उनको नाम लेकर बात करनी चाहिए थी, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी, इसीलिए पे आज उमर अयूब साहब ने मैं अली गौर बलोच साहब की तरफ जाना है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक निजी चैनल का मैं नाम ले लेती हूँ जियो का बॉयकट किया था, उनके साफे से गुफ्तगू नहीं करते थे, ARY को इंटरव्यू देते थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने उनको भी बुलाया। वो किधर है? एक मिनट, आप फिर ना यू टर्न ना लें अपनी स्टेटमेंट से। अली गौर बलोच साहब मुझे बताएं कि आपके साथ भी ये मामला है, आप लोगों के हक में कोई सहाफी हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उसके बारे में बोलते हैं, ये क्या स्टेटमेंट क्या थी अली अमीन गंडापुर साहब की? देखिए बात ये है, कत्ल करवा देते हैं, अटवा देते हैं मुखालिफों को। अली अमीन गंडापुर साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं वो जाहिर है कीचड़ ही उछालते हैं, और उनकी उनकी बातों से हमेशा बदबू ही आती है, खुशबू तो कभी भी नहीं आई। क्योंकि आपने देखा कि कल इनके जलसे में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कितने गलीज जुबान इस्तेमाल की गई, हत्ता कि वो आप अपने चैनल पे सुनवा भी नहीं सकते जो जिस तरह की वो गुफ्तगू। फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम आएंगे और हम 15 दिन के बाद उनको रिहा करा के ले जाएंगे, मतलब फिर से 9 मई को उधर आएंगे, दावा करेंगे, मैं इनको आपकी प्रोग्राम की वसात से चैलेंज करता हूँ, अगर ये मर्द के बच्चे हैं तो जो कंटेनर पे बात की आप उस पर पूरा उतरना है, आप अब 15 नहीं आपको एक महीना मीनारे पाकिस्तान जलसा नहीं करने देंगे तो जाती उमरा पे करेंगे, आप में तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, जरूर आए आप, जरूर आए आप, छुड़वाए। और ये आपके पल्ले क्या है, आपके पल्ले क्या है, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई उससे होती है जिससे मुकाबला हो, मुकाबला उससे होता है जो बेचारा आवाम में जाने के काबिल हो। ये बात तो कर रहे हैं ना गौर बलोच साहब को, और इनमें दम नहीं है, ये शर पसंदों का टोला है, जत्था है, ये इंतजार फैलाते हैं इस मुल्क तो सर जत्थे के साथ ही आपने डायलॉग करने थे, मां सिवाय कह के लगाने के, मां सिवाय गालियां देने के, ये इनकी परवरिश है, ये इनका तरीका, RTS सिस्टम की ये पैदावार है।
जो इनकी जेबों से तलाशी लेने से ठीक है, लेकिन इन्हीं के साथ तो टेबल टॉक करनी थी जी बसरा साहब। इसकी बीवी चले, मुझे मेरा वक्त जो है प्रोग्राम का खत्म हो गया। दोनों का बहुत शुक्रिया, अलीगौर बलोच साहब और शौकत बसरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर हम जो है प्रोग्राम का अख्तिताम जो है उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, खत्म हो गया है वक्त। कल फिर मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आने वाला हर दिन पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। अल्लाह।